तो चलिए शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स में। आज हम सब लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो न्यूमेरिकल चल रहा है बालाजी प्रकाशन से व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित आंकिक प्रश्न का ये चौथा पार्ट है और इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरू करते हैं हम सब लोग। तो अभी तक हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन और असंतुलन की दोनों के दोनों न्यूमेरिकल, दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है और ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि यदि चित्र में चित्र के भाग AO में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अज्ञात X का मान ज्ञात कीजिए, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा या जाने वाली धारा का परिकलन कीजिए। तो ये हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें 6 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, ये कुंजी है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध 2.4 ओम का लगा हुआ है, यहाँ 2 ओम का, 3 ओम का, 10 ओम का, x ओम का और ये 4 ओम का। हमको x वाले का मान निकालना है, लेकिन एक खास केस दिया गया है, कैसा कि AO में जो धारा है वो 0 है, तब यानी A से O में जो शाखा है इसमें धारा का मान क्या है, 0 है। अगर इसमें धारा का मान 0 है तो इस वाले प्रतिरोध को लगाने या ना लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको लगाने या ना लगाने से कोई प्रतिरोध का मतलब नहीं है, तो इसे हटा देंगे। यहाँ पर कोई बल्ब अगर लगा रहा होगा तो वो जलेगा नहीं क्योंकि धारा नहीं जा रही है। अगर हम कुंजी को जैसे ही करेंगे बंद तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा गुजरेगी, माइनस टर्मिनल पर यही धारा वापस लौट आएगी, ठीक है। अब बी पर आ करके ये धारा रुक जाएगी, अब ये बंटेगी, इधर हमने मान लिया I1 धारा जा रही है और इस वाले से हमने मान लिया शाखा से I2 धारा बट करके जाएगी, तो इस तीनों में I2 धारा जाएगी। अब इधर तो कोई है ही नहीं, इधर धारा जानी नहीं है, ये हमने हटा दिया, और इस वाले में भी कितनी धारा जाने वाली है, I2 जाने वाली है, ठीक है। ऊपर कितनी धारा गई है, I1, ठीक है, और यहाँ पर आ करके I रुक जाएगी, I1, और इधर से I1 रुकेगी, क्या मतलब इधर जानी नहीं है तो इधर से ही धारा क्या जाएगी, I1। ठीक है, तो ये धारा I1 इधर बाहर निकल आएगी और इधर से I2 बाहर चले आएगी, फिर ये दोनों फिर से मिल करके क्या बना देंगी, धारा I बना देंगी, क्योंकि I ही टूटा था। अगर हम देखेंगे यहाँ पर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, किस बीच वाले में विकर्ण में, बीच वाले विकर्ण में धारा 0 थी, तो इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध आपस में इनका भागफल क्या होगा, समान होने वाला है। यही तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की पहचान है, क्या है कि IAO का मान यहाँ पर 0 दिया गया है, IAO का मान बीच वाले विकर्ण में यदि धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि इनके जो दो क्रमागत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो क्रमागत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। यानी अगर ये धारा 0 है तो इसका मतलब यह एक संतुलन है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो I1 है और बटे R1 बटे R2 ये बराबर होगा R3 बटे R4 के। R1 कितना हमारे पास 2 है, R2 है 3, R3 है 4, R4 है x, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर, और x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं 6 ओम का है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको करंट की वैल्यू चाहिए कि पूरे के पूरे सेल द्वारा इस परिपथ में कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो अगर ऊपर वाले प्रतिरोध में देखा जाए तो समान धारा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो R1 और R3 हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, यानी R1 + R3।
आर वन हमारे पास दो है, आर थ्री है चार, तो दो प्लस चार कितना हो जाएगा, छः ओम हो जाएगा। ऐसे ही जो आर टू और आर फोर है इनमें भी आई टू धारा जा रही है, यानी ये भी समान धारा प्रवाहित करा रहे हैं, तो ये भी आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो आई टू आर फोर आल्सो आर इन सीरीज। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आर डबल डैश यानी इन दोनों को मिला करके जो प्रतिरोध बनेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो आर टू प्लस आर फोर। आई टू हमारे पास कितना दिया गया है, थ्री है, आर फोर जो कि एक्स है हमने निकाला कितना है, सिक्स ओम, तो ये कितना हो जाएगा, नाइन। अब देखो, अब ऊपर वाले दोनों मिलकर के आर डैश बन गए, नीचे वाले दोनों मिलकर के आर डैश हो गए, और ये दोनों आपस में कौन से क्रम में आ जाएंगे, अलग अलग धाराएं हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से R का मान कितना आने वाला है, ये हो जाएगा R डैश गुड़ा R डबल डैश और बटे में R डैश प्लस R डबल डैश। क्यों होगा, क्योंकि R डैश और R डबल डैश वो पैरेलल में है, समांतर क्रम में है। क्यों है, क्योंकि दोनों में अलग अलग धाराएं बटी हैं, एक में I1 धारा जा रही थी और एक में I2 धारा जा रही थी, अलग अलग है, तो समांतर क्रम, दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम का यही फार्मूला है। आई डैश कितना आया, छः, डबल डैश आया है नौ, ऊपर गुड़ा नीचे ऐड करना यानी जोड़ना है, ऊपर कितना हो जाएगा, छः गुड़ा नौ लिखा रहने देंगे और नीचे नौ और छः पंद्रह हो जाएगा, अगर इसे कैंसिल करेंगे तो पाँच तियाँ पंद्रह होता है, तीन से काटेंगे तीनों पच्ची पंद्रह और तीन दूना छः होता है, और नौ दूनी अट्ठारह के बटे में कितना आ जाएगा, पाँच। अट्ठारह के बटे में पाँच आने का मतलब हुआ अट्ठारह को अंदर पाँच को बाहर, पाँच तीन पंद्रह, बचा कितना तीन, दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, तो पाँच छक्का तीस, तो हमारे पास आंसर कितना आया, तुल्य प्रतिरोध जो हमारा बाहर प्रतिरोध लगा है वो है 3.6 ओम का, 3.6 ओम का है। और यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हमारे पास 2.4 ओम, तो बी और सी के बीच प्रतिरोध, बी सी के बीच प्रतिरोध कितना आएगा, तो बाहर बाहर का प्रतिरोध कितना है, बाहर बाहर टोटल मिलकर के क्या बन गया हमारे पास प्रतिरोध आर, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब बाहर से आई धारा जाएगी, ये आर हमारा था और इसमें भी कौन सी धारा आने वाली है, आई ही धारा आने वाली है, इसका नाम हम आर फाइव दिए दे रहे हैं, ठीक है। तो आर और आर फाइव हमारे कौन से क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो आर बी सी कितना हो जाएगा, जिसको हम आर इक्विवेलेंट भी नाम दे सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा बाहर वाला प्रतिरोध यानी आर, और ये भीतर वाला जो कि है आर फाइव, ये श्रेणी क्रम में है, बाहर वाला प्रतिरोध 3.4 है और भीतर वाला 2.4, 3.6 2.4 ऐड करेंगे तो कितने ओम हो जाएगा, टोटल हमारे पास प्रतिरोध कितने ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब हम निकालेंगे करंट का मान, तो I बराबर क्या होता है, V अपान R, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो यानी स्मॉल R क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, अच्छा सेल की बात कर रहा है तो ऊपर विद्युत वाहक बल यानी E रखेंगे और बटे में R प्लस R, ये फार्मूला होता है, R का मान जीरो है, E का मान कितने वोल्ट का है, छः, और तुल्य प्रतिरोध बाहर कितना आया है, छः, छः से छः कैंसिल हो जाएगा, करंट हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 1 एम्पियर, और ये इसका बन जाएगा आंसर। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक हमें डायग्राम दिया गया है, उसमें कह रहा है संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा धारा आई तथा परिपथ में शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये परिपथ दिया गया है, अगर हम देखेंगे तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एक क्या है, रूप है हमारा, हमने बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज के जितने सारे रूप हैं उनको हमने बताया भी था ये कैसे होते हैं, और इसमें जो होता है ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, सी डी में यदि, सी डी में यदि धारा का मान जीरो जाएगा तो ये आर, ये आर वन आर टू बटे आर थ्री आर फोर, ए और सी के बीच आर वन माना गया था, ए और डी के बीच आर टू माना गया था, सी और बी के बीच माना गया था आर थ्री, डी और बी के बीच माना गया था आर फोर, ये टोटल वही बना है हमारा, ये इतना भाग, ये इतना भाग, यहाँ से देखो धारा बट रही है, अगर इस वाले में करंट जीरो गई तो इसको हटा देंगे, तो ऊपर वाले दोनों श्रेणी, नीचे वाले दोनों श्रेणी, लास्ट में समांतर आंसर।
तो देखेंगे कि या बीच में धारा जीरो जा रही, तो संतुलन के लिए क्या माना गया था, R1 बटे R2 जो होता है दो क्रमागत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो क्रमागत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये दो क्रमागत प्रतिरोध हैं, ये आपस में साथ साथ लगे हैं, ये दो क्रमागत प्रतिरोध हैं, ठीक है। पिछला अगर व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने पूरे के पूरे परिपथ बताए थे कि व्हीट स्टोन ब्रिज के परिपथ कितने प्रकार से बन सकते हैं, ये उसी में से एक है। R1 हमारे पास कितना है, 5 है, R2 हमारे पास 10 है, R3 हमारे पास कितना है 10 है, R4 हमारे पास कितना है 20 है, ठीक है। 5/10 बराबर 10/20, या तो ऊपर से नीचे आओ या तो नीचे से ऊपर जाओ। 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 10 × 10 = 20, यानी 0 से 0 काटो, 1/2, 1/2 दोनों आपस में बराबर, यानी LHS बराबर RHS। तो यह एक संतुलित बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो यह एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है, संतुलित है तो इसका मतलब बीच में धारा जीरो हो जाएगी, यानी ICD का मान क्या होने वाला है, जीरो होने वाला। अगर ICD का मान जीरो है तो इसको लगाने या ना लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें करंट जाएगा नहीं, तो ये बल्ब लगा है 10 ओम का तो जलेगा ही नहीं। अब अगर जो देखेंगे इसमें धारा आई जा रही, यहाँ पर धारा हमने बांट दी, इस ओर हमने धारा I1 भेजी, ऊपर की ओर धारा हमने क्या भेजी है I2, तो I2 धारा इधर जाएगी, D से होकर के I2 धारा इसमें भी जाएगी, इसमें I1 धारा जाएगी, C से होकर के इधर भी I1 धारा जाएगी। तो R1 R3 में धारा समान है, और यहाँ पर देखेंगे R2 R4 में धारा समान है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, I' कितना हो जाएगा, R1 + R2, R1 + R3। R1 और R3 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, R1 एंड R3 आर इन सीरीज। R1 R3 अगर श्रेणी क्रम में है तो R' कितना हो जाएगा, R1 + R3 डायरेक्ट जुड़ेगा, वो 5 है ये 10 है, 5 और 10 ऐड करेंगे तो 15 ओम हो जाएगा। R" क्या हो जाएगा, R2 + R4, क्यों होगा, R2 और R4 भी श्रेणी क्रम में है, R2 एंड R4 आर इन सीरीज, ये I2 है ये R4 है, धारा समान है तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट ऐड होते हैं। 10 है 20 है, 10 और 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30। अब ये क्या हो जाएंगे आपस में समांतर क्रम में, अलग अलग धाराएं हैं, R इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं किनके बीच, A और B के बीच, तो RAB कितना आ जाएगा, ऊपर दोनों का गुणा, यानी एक 15 है और दूसरा कितना है 30 है, तो ऊपर दोनों का गुणा 15 और 30 का, और नीचे 15 और 30 का ऐड, तो नीचे 15 और 30, 15 गुणे 30 ऊपर रहेगा, नीचे 15 और 30 ऐड करने पर 45, 15 × 15, 15 × 3 = 45, 3 × 3, 3 × 3 = 30। RAB कितना आ गया हमारे पास, RAB 10 ओम आ गया। ये हमको फाइंड करना था, पहला हमारा एक आंसर हो गया। I का मान निकालना है, तो I बराबर क्या पढ़ा है, V/R ओम का नियम। टोटल वोल्टेज कितना है 5 है, टोटल प्रतिरोध कितना है 10 है, 5/10 मतलब 0.5 × 5, 5 × 10 = 1/2 का मतलब आधा, 0.5 एम्पियर की धारा आ जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, शक्ति निकालना है, तो P बराबर क्या पढ़ा, I² × R, I का स्क्वायर करो यानी 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 × 1/2। R का मान हमारे पास कितना आया, 10 आया, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, यानी 2.5 वाट, ये बन जाएगा शक्ति 6 इन सभी प्रतिरोधों पर, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोध 0.1 सेमी ओम प्रति सेमी, एक तार है जिसका प्रतिरोध जो है 0.1 सेमी ओम पर सेमी, तार है जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, तो प्रति सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर तार का जो प्रतिरोध है वो 0.1 ओम है, 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ पर सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है 1 ओम है, तो 1 सेमी तार का प्रतिरोध कितना होगा 0.1 ओम। एक वर्ग ABCD के आकार में मोड़ा गया है, एक तार है ABCD के आकार में मोड़ा गया है, एक वर्ग है जो कि, और उसकी भुजा जो है 10 सेमी है, और उस तार की जो एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है 0.1 ओम है, वो एकांक लंबाई सेमी में होनी चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, ठीक ऐसा ही एक तार बिंदुओं B व D के बीच जोड़ा गया है, ठीक है। तो एक तार है, एक तार हमने बताया गया है, एक तार है कोई लंबा सा, उसको एक वर्ग में मोड़ा गया है, यानी ABCD एक वर्ग में मोड़ा गया है, उसकी एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है 0.1 सेमी 1 ओम
है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी एक सेमी लंबाई की जो प्रतिरोध है वो दिया गया 0.1 ओम। और ऐसा ही एक तार जो है वो बीडी के बीच जो है जोड़ा गया है, ठीक है। वर्ग के दूसरे कोनों ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ए व सी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जबकि ए व सी के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, ए और सी के बीच बैटरी जोड़ना है, बी और डी के बीच एक जोड़ना है तार, और उस तार में आगे क्या कह रहा है जोड़ दें, तब परिपथ में कितनी शक्ति क्षय होगी, यानी सेल या बैटरी अंदर कितनी शक्ति दे रहा है, कितनी पावर को खर्च कर रहा है, दे रहा है, सप्लाई करा रहा है। यदि बी व डी के बीच एक अमीटर जोड़ दें तो पाठ्यांक कितना होगा? बी और डी के बीच जो तार लिया गया था उस पर एक अमीटर जोड़ दिया गया जिसका प्रतिरोध आर है, और इस साथ इसमें बताना है कितना पाठ्यांक आने वाला। अमीटर हमेशा धारा के मान को बताता है, अमीटर का काम होता है धारा के मान को बताना, ये एक होता है धारा मापी, ठीक है। तो ये इतना चीज हमको दिया गया, एक वर्ग है, ठीक है, और वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेमी है, और इस वर्ग को बनाने के लिए जो तार यूज हुआ है उसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध 0.1 ओम दिया गया है, ठीक है। आर बराबर 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध 0.1 ओम है। तो वर्ग हमने मान लिया, ए बी सी डी हमने एक वर्ग खींच दिया। अब ए बी कितने सेंटीमीटर तार, कितना लंबा तार है? 10 सेमी है, क्योंकि भुजा वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10। 1 सेमी तार की जो प्रतिरोध है वो 0.1 है, हमको ए बी दिया गया, ए बी कितने सेमी का है? 10 सेमी, ए बी तो 10 सेमी का है, तो हमको 1 सेमी का पता है, तो 10 सेमी का कितना होगा? 1 सेमी का 0.1 ओम है, तो 2 सेमी का 2 गुणा, 3 सेमी का 3 गुणा, 10 सेमी का 10 गुणा, तो 1 सेमी का कितना है हमारे पास? 0.1 ओम, तो 10 सेमी का 10 गुणा 0.1 ओम, यानी 0.1 हटाएंगे 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.1 हटाएंगे 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओम आ गया। ऐसे ही बी सी भी कितना है? 10 सेमी का है, 10 सेमी तार का है, तो इसका भी प्रतिरोध 1 ओम आएगा, सी डी का भी प्रतिरोध 1 ओम आएगा, डी सी का भी ए डी का भी प्रतिरोध 1 ओम आएगा, क्योंकि सभी तार के एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है 0.1 ओम है, और सभी तार 10 सेमी लंबे हैं, 1 सेमी का पता है, 10 सेमी का चाहिए, उतने से गुणा कराएंगे तो सभी 1-1 ओम आ जाएंगे। हमने इसको ए बी को तार को R1 नाम दे दिया गया, और बी सी को R3, और ऐसे सी डी को I2, और ए डी को R4 नाम दे दिया गया। हमको निकालना क्या है? अमीटर का पाठ्यांक, यानी अमीटर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही, और ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना, साथ ही साथ ये जो सेल जोड़ा गया इसी के बीच ये कितनी पावर को सप्लाई करा रहा है इस पर, ठीक है, ये निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे संतुलन के लिए, संतुलन के लिए 2 क्रमागत प्रतिरोध लेना पड़ता है। 2 क्रमागत प्रतिरोध क्या है? R1/I2 बराबर होना चाहिए R3/R4 के। R1/I2, R3/R4, नीचे से ऊपर गए, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बाएं वाले ले लो, दाएं वाले ले लो, भाग करा लो, सीधा सीधा है। R1 एक है, R2 भी एक है, R3 एक है, R4 भी एक है, यानी LHS बराबर कितना आ गया? RHS। तो यह एक कौन सा हुआ? यह एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, यानी बीच वाले में धारा क्या जाने वाली? अगर यह बैलेंस्ड है तो बीच वाले में धारा कितनी जाने वाली? 0 जाने वाली है। धारा किस में जा रही? अमीटर में। तो अमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर में जो धारा बह रही है, अमीटर किसके बीच लगा है? बी और डी के बीच, तो बी और डी के बीच जो धारा बहेगी वो कितनी है? 0। ये इसका आंसर आ गया, अमीटर का पाठ्यांक 0 है, यानी बीच में धारा कोई 0 नहीं जा रही, अमीटर की सुई जाएगी नहीं, वो 0 पर ही रुकी रहेगी। अब अगर धारा का वितरण कराएंगे, प्लस से धारा घूमना शुरू करती है, तो आई धारा घूम रही है, ए पर आकर के इधर आई टू के लिए आई टू भेज दिया गया, R1 के लिए हमने I1 भेज दिया गया। अब इसमें धारा जानी नहीं, तो इसको लगाने ना लगाने से कोई मतलब नहीं है। हमने तो प्रतिरोध भी माना था कि अमीटर का प्रतिरोध RA होता है, जो धारा मापी और वोल्ट मीटर सबसे कम होता है। अब धारा I1 है, I1 इधर जा रही है, I1 इसमें जाएगी, यहाँ पर ठहरेगी, I2 ऊपर से आ रही है, I2 इसमें जाएगी, ये दोनों आपस में मिलकर के कौन सी धारा बनाएंगे? I। तो I2 देखो ऊपर वाले में जा रही है, I1 नीचे वाले में जा रही है, तो ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। ऊपर वाले कौन से दो प्रतिरोध हैं? I2 R4, तो ये श्रेणी क्रम में है, तो I2+R4 कितना हो जाएगा? 1 और 1, 1 और 1, 2 ओम हो गया। R" कितना हो जाएगा? R" किनके बीच की बात कर रहे हैं? देखो नीचे वाला, इसमें R1 और R3 में I1 ही धारा जा रही, समान धारा है, तो श्रेणी क्रम, तो R1+R3 श्रेणी क्रम में डायरेक्ट ऐड होता है, 1+1 सभी के प्रतिरोध 1 ओम के हैं, तो कितना हो गया? 2 ओम।
अब देखो ऊपर वाले प्रतिरोध और नीचे वाले प्रतिरोध के मान जो आए हैं आर डैश आर डबल डैश, उनमें अलग अलग धारा, ऊपर वाले में आई टू जा रही, नीचे वाले में आई वन, तो इसलिए आर ए और सी के बीच प्रतिरोध कितना होगा, ऊपर दोनों का गुणा समांतर क्रम में हो गए ना, और नीचे दोनों का जोड़ आर डैश प्लस आर डबल डैश। क्यों? क्योंकि आर डैश और आर डबल डैश आर इन पैरेलल समांतर क्रम में। हमने एक ट्रिक भी बताया था, यदि सभी तारों के प्रतिरोध समान है तो उसका मान भी वही होता है, एक है एक है एक है एक है, लास्ट में एक ही आंसर आएगा। देख लेते हैं कर करके, दो गुणा दो ऊपर नीचे दो प्लस दो, दो दूना चार, दो दो चार, कैंसिल होकर के कितना आ गया एक ओम। तो पहला हमारा आंसर हो गया, यानी ए और सी के बीच जो प्रतिरोध आया है वो एक ओम का आया है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना था, मीटर में धारा निकालनी थी, वो निकाल ली गई। अब पी का मान निकालना, पी बराबर हमने फार्मूला पढ़ा वी स्क्वायर अपान आर होता है, V कितना है हमारे पास दो का स्क्वायर, और बटे में R कितना हमारे पास एक आया है, तो दो दूना चार, चार वाट हो गया, चार वाट की सप्लाई करा रहा है सभी प्रतिरोधों पर, ये इसके फाइनल आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कह रहा है संलग्न परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन सेतु प्रदर्शित करता है। ये पहले से ही दे दिया गया है कि अब की बार जो ये परिपथ दिया गया है ये संतुलित है, तभी तो जी में गैल्वेनोमीटर में सुई कहाँ एकदम सीधा है, एकदम सीधा मतलब गैल्वेनोमीटर में जो जीरो होता है वो शून्य पर ही होता है, ये ना तो इधर गया ना तो इधर गया, दोनों ओर जा सकती है इसकी सुई। ठीक है, तो दोनों ओर जा सकती है, अगर कुछ कहीं भी नहीं गई बीच में गई तो यानी कि धारा का मान जीरो है, तो धारा का मान जीरो जाने वाला है, पहले से ही इसमें बता दिया गया संतुलित है, यानी इनका और इनका भागफल समान आने वाला है। अब आर की गणना कीजिए, धारा आई1 का मान ज्ञात कीजिए, इस आर का मान निकालना है और साथ ही साथ इसमें जो धारा जा रही है उसका मान निकालना है। तो क्योंकि यह एक बैलेंस्ड बैलेंस्ड यानी कि संतुलित WSB है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो हम कह सकते हैं इसका भागफल 15 बटा 30 ऊपर से नीचे, और इसका भागफल दाई तरफ वाले R बटा 6 बराबर होगा, 6 एकन 6, 6 पंचे 30, 5 एकन 5, 5 तीन 15, R बराबर 3 ओम हो जाएगा। हमको किसका मान चाहिए, I1 का मान चाहिए। अगर हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारा A मान लेंगे, ये B मान लेंगे, इसमें धारा क्या, इसमें धारा का मान क्या है जीरो, धारा जा ही नहीं रही, इसमें जीरो है धारा का मान, तो इसको लगाने ना लगाने से कोई मतलब नहीं, ये और इन बिंदुओं को मानने या मानने से कोई मतलब नहीं। अब अगर जो देखा जाए तो ऊपर वाला AB के बीच ऊपर वाला प्रतिरोध लगा, AB के बीच नीचे वाला प्रतिरोध लगा, और साथ ही साथ AB के बीच क्या लगा है, बाहर से एक सेल लगा है, कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का। ठीक है, तो AB के बीच VAB विभवांतर बराबर जाएगा, ऊपर विभवांतर जितना जाने वाला है उतना ही नीचे आएगा, उतना ही AB, भाई AB के बीच ऊपर प्रतिरोध, AB के बीच ये प्रतिरोध, AB के बीच सेल, तो सभी AB के बीच लगे हैं तो सभी पर विभवांतर बराबर जाएगा, इसका नाम सी और इसका नाम डी देंगे, तो VACB पर भी प्रतिरोध बराबर जाएगा, नीचे वाले पर भी जाएगा, लेकिन हमको ऊपर वाले की जरूरत, तो ऊपर वाला हम यूज लेंगे। ठीक है, और जो कि कितने वाट का है, वोल्ट का दिया गया, 6 वोल्ट का। अब इसमें बात करेंगे हम, क्योंकि इस वाले में धारा का मान जीरो है। ठीक है, तो VAB का मान चलिए यहां से ही देख लेते हैं, VAB का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया है, VACB का मान देखना है, तो VACB में धारा कितनी जा रही है, I1, प्रतिरोध कितना है, सभी में धारा समान श्रेणी क्रम में, 15 प्लस R का मान जो कि कितना आया है, 3, 15 और 3 18, I1 कितने के बराबर, 6, 6 एकन 6, 6 त्रिक 18, I बराबर करेंगे जो कि I1 है, 1 के बटे में कितना एम्पियर हो जाएगा, 3 एम्पियर, ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां से गतिमान आवेश जो कि विद्युत धारा के नाम में था, विद्युत धारा के न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर के साथ समाप्त तो होने वाला है, जिसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, तो ये एक डायग्राम दिया गया, इसमें कह रहा है हमें चित्र में प्रदर्शित परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन सेतु प्रदर्शित करता है, आर की गणना कीजिए, ये संतुलित है अर्थात विकर्ण वाले गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कितना जाने वाला है, गैल्वेनोमीटर में धारा का मान जीरो जाने वाला है, तो इसको लगाने या ना लगाने से कोई मतलब नहीं है।
और अगर हम इसका नाम दे रहे हैं आर वन, इसका नाम आर टू, इसका नाम आर थ्री, इसका नाम आर फोर, तो यहाँ से हम देखेंगे आर फोर कितना आने वाला है। तो आर और पंद्रह, आर और पंद्रह, ये टोटल का प्रतिरोध आर फोर है, टोटल ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो आर फोर हम सबसे पहले निकालेंगे, आर फोर के लिए आर और पंद्रह समांतर क्रम में है, आर और पंद्रह क्या है, आर इन पैरेलल समांतर क्रम में। तो अगर ये समांतर क्रम में हैं तो इसका मतलब ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का जोड़, ये हमें आर फोर मिल गया। अब क्योंकि यह एक, क्योंकि जो परिपथ हमारा है, क्योंकि परिपथ एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसका मतलब आर वन बटा आर टू वो बराबर होगा आर थ्री बटा आर फोर के, नहीं इसका नाम हम देंगे आर फोर बटा आर थ्री के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, इसमें ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यानी आर वन बटे आर टू, ऊपर से नीचे आर फोर बटा आर थ्री। आर वन कितना है, छः, आर टू कितना है, तीन, आर फोर कितना, आर गुड़ा पंद्रह और नीचे बटे में आर प्लस पंद्रह, और नीचे देखो बटे में कितना, आर थ्री जो कि कितना है, पंद्रह। आर थ्री कितना है, पंद्रह है, नहीं एक दशमलव पाँच है बेटा, एक दशमलव पाँच है, दशमलव हटाएंगे ऊपर जीरो, पंद्रह इक्कन पंद्रह, पंद्रह धाम में डेढ़ सौ, तीन इक्कन तीन, तीन दूना छः, इसका गुणा इधर कराएंगे तो दो का आर से गुणा दो आर, और पंद्रह दूना कितना होता है, तीस होता है, बराबर में कितना है, ये देखो कितने आर है, आठ, दस आर है, ये दो आर इधर लाएंगे घटा देंगे, कितने आर बचेंगे, आठ आर, बराबर कितना है, तीस है, तो कैंसिल करेंगे, चार दो चौके आठ, पंद्रह दुना तीस, चार नीचे भेज देंगे तो पंद्रह के बटे में कितना हो जाएगा, चार ओम, ये आर का मान आ जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, पंद्रह बटे चार ओम, और पंद्रह बटे चार का मतलब क्या होता है, पंद्रह अंदर चार बाहर, चार तियाँ बारह, तीन बचा दशमलव लगाएंगे जीरो, चार सते अट्ठाईस, कितना बचा, दो दशमलव लगा ही है जीरो, चार पंचे बीस, जो कि कितना हुआ हमारे पास, तीन दशमलव पचहत्तर ओम, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहीं पर हम क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज विद्युत धारा नाम के जो चैप्टर चल रहा था वो समाप्त हो रहा है पूरे न्यूमेरिकल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करें अगर चैनल में नए आए हों, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब अगले वीडियो में हम सब लोग गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो हमारा ख़त्म हो गया वो बालाजी प्रकाशन से उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम चुंबकत्व तथा द्रव्य के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, अपने सिलेबस को धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक, यहीं पर वीडियो समाप्त हो रहा है।